हेलो एवरीवन, आई एम योर बग्स। एंड आज सुबह सुबह मैं स्नैपचैट एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने किसी रैंडम का मैसेज देखा है। तो पहले मैसेज देख लो। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि हम हेयर कैसे मैनेज करते हैं और हेयर कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए और बाल बनाते हैं। लेट्स गो। कंडीशनर यूज़ करते हैं हम ट्रेसमे का, और ट्रेसमे का ही रेड बॉटल में शैम्पू आता है वही यूज़ करते हैं जो अभी दो दिन पहले ख़त्म हुआ। तो यहाँ के स्टोर में हम गए थे तो यहाँ ये अवेलेबल था क्लियर का, तो अभी के लिए ऑप्शन समझ लो। तो हम क्लियर का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और ये निविया मेन का बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। बाकी मैं ये ट्रेसमे के प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगा, और आप अगर इंडिया में हो तो डीमार्ट से ही लेना क्योंकि वहाँ सस्ते मिलते हैं, ऑफ मिलता है इस प्रोडक्ट पर, दोनों प्रोडक्ट पर। शावर ले लिया हमने, तो अभी हम दिखाते हैं कि बाल को कैसे ब्लो ड्राई करना चाहिए और उसके पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो हेयर के लिए ये तीनों प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अर्बन गबरू का वैक्स है और वॉल्यूमाइजिंग पाउडर है, और ये प्रोटेक्ट शाइन है जो सबसे पहले यूज़ होगा बालों में, तो ये पहले लगाते हैं। मैंने सीरम तो अप्लाई कर दिया पर आपको मैंने बताया नहीं कि ये क्यों यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं कि मतलब मैं पहले गीले बाल में इसलिए अप्लाई करता हूँ ताकि मैं ब्लो ड्राई करूँ तब मेरे हेयर डैमेज ना हो, और ये हेयर को प्रोटेक्ट करता है, दैट्स वाई। तो हेयर सीरम लगा दिया है बालों में, अभी हम करेंगे ब्लो ड्राई और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन सा हेयर ड्रायर यूज़ करता हूँ। तो ये आइकॉनिक का हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी हेयर ड्रायर परचेस कर रहे हो तो देख लेना पहले कि वो 2000 वॉट से प्लस हो, उससे कम का मत लेना, ठीक है। तो हेयर के लिए हम आइकॉनिक का ये राउंड कॉम यूज़ करते हैं जो मतलब हेयर को शेप देने में बहुत सही रहता है। हेयर आप देखते हो ना वॉल्यूम में रहते हैं ऑलवेज, तो वो ऐसे ही नहीं रहते, उसको शेप देना पड़ता है। तो एवरी वीक में हम दो बार शेप देते हैं बालों को, तो वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे शेप देते हैं, ठीक है। तो बाल ब्लो ड्राई हो गए, अब हेयर वैक्स लगाते हैं। तो बालों में हेयर वैक्स अप्लाई हो चुका है। तो हेयर वैक्स का मतलब ध्यान रखना कि आप सिर्फ बालों के ऊपर ही लगाओ, ऐसे ऊपर ही, अगर स्कैल्प तक जाता है ना तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो तो स्कैल्प में मत लगाना, ऊपर ही लगाना, ऊपर, ठीक है। तो अभी वॉल्यूमाइजिंग पाउडर यूज़ करते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डालना है और कैसे वॉल्यूम रहता है इससे। सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कूल लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।